हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, मैं होप करता हूँ आप सभी हमेशा की तरह अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो, जिसमें दोस्तों हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दिल्ली द्वारका के लिंक रोड से होते हुए हम जाएंगे दोस्तों गुड़गांव की तरफ। तो आइए दोस्तों, चलते हैं और करते हैं आज की जर्नी को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये हम लिंक रोड से होते हुए दोस्तों हम जाएंगे कापसहेड़ा की तरफ से गुड़गांव की तरफ। और ये जो आप रोड देख रहे हैं दोस्तों, इसको कापसहेड़ा रोड बोला जाता है। और ये दोस्तों हम सिटी के अंदर से होते हुए जा रहे हैं और ये डायरेक्ट कनेक्ट करेगा NH 8 के लिए, जो कि दिल्ली जयपुर हाईवे है। दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रूट है अगर देखा जाए, आप द्वारका से गुड़गांव जाना चाहते हैं तो। और थोड़ा सा आपको ट्रैफिक कंजेशन यहाँ पे स्लो देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ और मार्केट एरिया आप देख सकते हैं। सिंगल रोड है ये दोस्तों, और इसको बोला जाता है राव माता दीन यादव मार्ग। और यहाँ पे आपको दोस्तों काफ़ी सारे फार्म्स और रिजॉर्ट्स देखने को मिल जाएंगे इस रूट पर, और काफ़ी अच्छा रूट है दोस्तों अगर आप द्वारका की तरफ से गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं तो। ये सीधा आपका रजोकरी प्लेस है, वहाँ पे कनेक्ट करता है, और वहाँ के थ्रू आप सीधा गुड़गांव जा सकते हैं। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है दोस्तों रोड के साइड पे, और काफ़ी अच्छा ट्रैफिक मूवमेंट है। रोड के दोनों साइड आपको काफ़ी सारे फार्म्स देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में मेरे और राइट साइड में काफ़ी सारे मल्टीपल नंबर ऑफ फार्म्स देख सकते हैं, जहाँ पे आपको यहाँ मैरिजेस और फंक्शंस काफ़ी लार्ज नंबर में ऑर्गेनाइज होते हैं। लार्ज नंबर में आपको दोस्तों यहाँ पे स्प्रेड लाइट्स देखने को नहीं मिलेंगे इस रोड पर, बट आप स्पीड ब्रेकर्स काफ़ी सारे आपको देखने को मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों ये विलासा और काफ़ी सारे, ये रोड ही दोस्तों फार्म्स के लिए फेमस है, और कापसहेड़ा बॉर्डर की तरफ से होते हुए रास्ता जाता है। मेजरली जो भी ट्रांसपोर्टर्स हैं दोस्तों, वो यही वाला वे ऑप्ट करते हैं द्वारका से अगर कोई गुड़गांव जाना चाहता है, क्योंकि अगर आप लिंक रोड के होते हुए जाएंगे दोस्तों तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रास्ता है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ट्रीज की शेडो और रिफ्लेक्शन बहुत ही अमेजिंग लुक प्रोवाइड कर रहा है इस रास्ते को, और काफ़ी अच्छा ट्रैफिक मूवमेंट है इस रोड पर। तो इन शॉर्ट में बात करूं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट वे है ये दोस्तों लिंक रोड द्वारका से होते हुए अगर आप गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं तो। काफ़ी ज़्यादा रॉ एरिया है दोस्तों ये, और आप देख सकते हैं सामने जो फ्लाईओवर दिख रहा है दोस्तों, ये NH 8 है जो दिल्ली जयपुर गुड़गांव हाईवे है, और ये सीधा आपको यहाँ से थ्रू कनेक्ट करता है। इस जगह को बोला जाता है रजोकरी, और यहाँ से दोस्तों अगर आप लेफ्ट की तरफ लेते हैं तो आप पहुँच जाएंगे दिल्ली, देख सकते हैं अलग, और राइट जाते हैं तो आप गुड़गांव जा सकते हैं। ये दोस्तों हमने राइट टर्न लिया है यहाँ से, आप देख सकते हैं, और यहाँ से हम होते हुए जाएंगे गुड़गांव। ये एयरफोर्स स्टेशन है जो आप लेफ्ट की साइड रास्ता देख रहे हैं, रजोकरी भी इसको बोला जाता है। जैसा कि दोस्तों मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, वाइल ड्राइविंग 4-व्हीलर ऑलवेज वियर सीट बेल्ट, एंड वाइल राइडिंग 2-व्हीलर ऑलवेज वियर हेलमेट, दिस इज फॉर अवर सेफ्टी एंड फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स। लास्ट आपने रोड की कंडीशंस देखी होंगी दोस्तों, थोड़ी सी ठीक नहीं थी फार्म्स वाले रास्ते में। यहाँ पे काफ़ी अच्छे वाइड टर्मैक रोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये दोस्तों हम पहुँच चुके हैं दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर पे, और यहाँ पे आप टोल टैक्स भी देख सकते हैं। ये दोस्तों हम पहुँच चुके हैं गुड़गांव के NVS मॉल के पास, और आप देख सकते हैं ऊंची बिल्डिंग्स से ही आपको अंदेशा हो जाएगा कि हम गुड़गांव में एंटर कर गए हैं।
जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं गुड़गांव दिल्ली एनसीआर के अंदर ही आता है और दिल्ली से एडजॉइनिंग में है हरियाणा के अंदर, और काफ़ी सारे मल्टीपल ऑफिसेस और रिटेल स्पेसेस आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। तो दोस्तों हमारी आज की जर्नी यहाँ पे फिनिश होती है। मैं होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। भी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।